चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। जम्मू कश्मीर और नोएडा के आसपास वाले इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। करीब 9:56 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों के मुताबिक जमीन हिलने लगी थी, जिसके चलते लोग डर के मारे लोग घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए थे। हालांकि आपको बता दें कि किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर में 14 जनवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहाड़ी इलाके होने के चलते खतरा जो है अक्सर बना रहता है, लेकिन आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल की तीव्रता करीब 5.7 के आसपास बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। पहाड़ी इलाके होने के चलते सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं पहाड़ी इलाके में, अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, नोएडा के आसपास भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका जो केंद्र है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है, और इस पर जो अधिक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इसमें फिलहाल जो है किसी के जानमाल के कोई खतरे की खबर सामने नहीं निकल कर आ रही है।